हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और कल रात तो हमारा न्यू ईयर सो के गुजरा क्योंकि हम बहुत थक गए थे बैरागढ़ जाके। और आज हम जाने वाले हैं विंध्यवासिनी टेम्पल, जो कि माता का मंदिर है और वहाँ शिव जी की भी अर्चना और पूजा होती है। बट इस मंदिर के बारे में मैंने जितना सुना, इस मंदिर को हम बरसात में तो अचीव नहीं कर सकते, बरसात में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि पूरा पानी भर जाता है। ये है चिल्ला रोड पे, जो कि है हरिद्वार ऋषिकेश बीच में। यहाँ से ऑलमोस्ट होगा 30 to 35 किलोमीटर्स। तो आज हम बाइक से जाएंगे क्योंकि गाड़ी वहां नहीं जा सकती है। रास्ता बहुत एडवेंचरस है, जो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। मतलब नदी वदी में से शायद होके जाना होता है, मुझे नहीं पता, जो मेरे को भाई ने बताया। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर के रास्ते में हम आ चुके हैं। अभी जंगल वाला रास्ता है, पानी से जंगल से होके गुजरेगा। देखो क्या सा रास्ता है। पहला पैच आया हमारा पानी का। और यहाँ पे जंगल के रास्ते में देखो कितना सुंदर जंगल है यार, बहुत सुंदर जंगल है। छोरे हरियाणा, अरे पीछे एक और भाई आ रही। नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं विंध्यवासिनी मंदिर और अब हम ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे। और ये है यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में। इस बार हम पौड़ी पौड़ी घूमे, कल भी हम पौड़ी, आज भी हम पौड़ी और कल आज रात तक घर पौड़ी। घर पौड़ी जान मिल। आज रात घर पौड़ी हो जान मिल। तो अब हम जा रहे हैं, रे गोलू 1 2 गजेंद्र जी 3 हिम्मी एंड 4 मी। तो चलते हैं और पहुँचते हैं ऊपर। और आज मंडे भी है तो हम ऊपर शिवलिंग है, वहाँ पे भी दूध वगैरह चढ़ाना है हमें। चलते हैं। और ये ऐसा लग रहा है गांव का रास्ता, यहाँ से है ना, पूरा सेम गांव का रास्ता है। तो चलते हैं। पहाड़ों की वादियों में दोस्तों, ये है विंध्यवासिनी मंदिर। ये देखो अभी हम दर्शन हेतु खड़े हैं। हिम्मी भाई, मैं गोलू और जी। दूर देखो यहाँ से तुम। क्या आज मंदिर थी? वाटर क्रॉसिंग। अच्छा, वाटर क्रॉसिंग। और जड़े जड़े सी फैल रखी है इसकी लकड़। अब नीचे उतर रहे हैं। चढ़ाई तो बिल्कुल खड़ी है, देखो स्टीप है, बिल्कुल स्टीप है। एक ही चट्टान पे जैसे मनसा देवी है, बट और मनसा देवी से कम चढ़ाई है, पर बिल्कुल स्टीप स्टीप जैसे बिल्कुल है। हम जा रहे हैं उधर, लेट्स गो। बाकी अभी थोड़ा आगे कहीं चलते हैं, फोटो फाटो खींचते हैं। कच्चा पुल है, कच्चा पुल है वो रहा मंदिर ऊपर। कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत बढ़िया। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उससे बढ़िया है ना, मजा आया ना। चलो बजा। इस कमीने ने अपने बाइक पे ही चाबी छोड़ दी थी। हम ऊपर पूरा मंदिर अंदर दर्शन करके आ गए, अब मिल गई, बस चोरी नहीं हुई बाइक। अच्छे लोग हैं उत्तराखंड में, इसीलिए बोलते हैं उत्तराखंड अच्छा है भाई। उत्तराखंड अच्छे लोग, अच्छे लोग सामने से दिख जाता है दोनों, ऊपर नीचे मंदिर वहाँ है। यही अगर दिल्ली होता तो चाबी भी नहीं होती, तो भी उठती है, तो भी उठती है। हमारे ऑफिस में से उठ जाती है बंदों की, हमारे ऑफिस में से। और चलते हैं अब आगे, कुछ खाते पीते हैं। हमने सुबह पहले वो खाई थे मैगी मसाला वगैरह,
मैगी मसाला कह रहा हूँ, राजमा वगैरह अब खाएंगे मैगी। जी हेलो जी, चेक चेक। और अभी हम लोग मैगी खाएंगे। तीन मैगी करनी, चार करनी? चार ही करनी है, चार बंदे हैं, चार मैगी खाएंगे। ये व्लॉग में कमेंट डाल दो, तीन मैगी खानी है, चार मैगी। व्लॉग में बोल के जा रहा, तीन मैगी खानी है, चार मैगी। गाइस बताओ, एक से एक है फिल्म यहाँ पे। कितनी मैगी खानी गाइस? अब हम यहाँ पे बाहर बैठ के खाएंगे, ये सिटिंग एरिया है, साइड में नदी बह रही है, ऊपर माता का मंदिर है, कुछ खाएंगे फिर जाएंगे। फोर का टेबल ले लिया हमने, चार चिक सोला। चलो गाइस देखो गाइस आगे चलते हैं, ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां। आ गए हम कहाँ मेरे साजना। हेलो, तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, फिर वहाँ से हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। मस्त दर्शन होगा, उसके बाद फोटो फाटो खींची हमने इस लोकेशन पे। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा भसड़ मच गई। भसड़ क्यों मच गई? आज ट्राई किया हम लोगों को, पता नहीं थी तो बसेस वसी नहीं है, बट हमने हमें रुड़की से कन्विंस लिया है जाने का, तो रुड़की तक भाई ड्रॉप कर रहा है। बाकी थोड़ा मूड ऑफ हो गया था अभी, बट दिमाग चल गया देवरानी जी का, और देवरानी जी ने दिमाग चला दिया और कर दिया जुगाड़। वरना तो हम ट्रेन में, वैसे ट्रेन में भी आ जाते हम रात को, बट हमें जल्दी, हम ये सोच रहे रात को रेस्ट मिल जाए, तो क्योंकि कल ऑफिस है। तो बाकी हो गया, और ड्राइवर मैंने महंगा रखा हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ। ये देखो कितना क्यूट,